एंड्रॉयड स्टूडियो में इंस्टॉलेशन का मैं तरीका बताता हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करके कॉन्फ़िगरेशन में आना है। यहाँ से प्लगइन पे क्लिक करके आपने ब्राउज़र रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना है। यहाँ से हमने सर्च करना है फ्लटर को, ठीक है। जैसे फ्लटर को हम टाइप करते हैं तो यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड वाला है लैंग्वेजेस, इसको आपने इंस्टॉल कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है। ये पहले डार्ट लैंग्वेज का पूछ रहा है तो वो भी मतलब इंस्टॉल हो जाना चाहिए, तो आपने इन्हें क्लिक कर देना है। ये डाउनलोड में थोड़ा सा टाइम ले लेगा। मैं वीडियो स्टॉप करके मैंने चलाया है यहाँ पर ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। और आपने फिर एंड्रॉयड स्टूडियो को रिस्टार्ट कर देना है। एंड्रॉयड स्टूडियो रिस्टार्ट में थोड़ा सा टाइम ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन शो हो जाएगा, स्टार्ट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फ्लटर एप्लीकेशन, फ्लटर प्लगइन वगैरह ये तीन चीज़ें आ रही हैं। इसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्लटर एप्लीकेशन रन कैसे होगी, उसका कोड क्या होगा। तो आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से फ्लटर SDK पाथ, तो ये हमारे पास डाउनलोड अभी नहीं है फिलहाल। इसके लिए मैंने यहाँ पर पहले से एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है जिसको मैंने नाम दिया है फ्लटर SDK, ठीक है ना। ये तो आपने कोई भी फोल्डर क्रिएट करके ओके कर देना है और ये सेटअप यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए ताकि ये हमारे पास डाउनलोड हो। तो यहाँ पर मैंने वीडियो पॉज करके चलाई है, ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम ले लेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया और यहाँ जो है वो ये नीचे आप देख रहे हैं रेड निशान वाला फ्लटर SDK पता नॉट गिवन, तो वो तो इंस्टॉल हो गया है, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन शो नहीं कर रहा। तो आपने क्या करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो को ऑफ करके फिर चलाना है, ठीक है ना। मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो को ऑफ बंद कर दिया, फिर रन कर रहा हूँ। आपने भी इसी तरह करना है और इंशाल्लाह कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है ना। अब फिर आपने स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट फ्लटर के साथ करना है। ये पता नहीं थोड़ा सा हैवी हो रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो को, फर्स्ट टाइम ये होता है, उसके बाद जो है वो मसले नहीं देगा, ठीक है ना। तो आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर स्टिल वही है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि सेटअप एक दफ़ा डाउनलोड हो चुका है, तो यहाँ से सिर्फ अपने वो पाथ उठाना है, ठीक है ना। तो जहाँ हमने फोल्डर बनाया था, जहाँ SDK हमने डाउनलोड कर ली थी, तो आपने आना है वहाँ से SDK पाथ उठाना है, ठीक है। ये हमारे पास सब डाउनलोड हो चुका है, तो आपने ओके कर देना है, ठीक है ना। देखें सब चीज़ें सही हो गई। अब आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट में फिर यहाँ से आप कंपनी नेम दे सकते हैं, एंड्रॉयड पर अगर जिसने पहले काम किया है तो उनको इन चीज़ों का पता होगा। नीचे ऑप्शन आ रहे हैं iOS कोड और कोटलाइन वगैरह, अगर वो भी करना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर दें, अदरवाइज अनचेक रहने दें, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिनिश करता हूँ मैं। अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोडिंग में क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ना इसलिए, और एंड्रॉयड स्टूडियो का तो आप लोगों को ऐसे भी पता है कि एंड्रॉयड स्टूडियो है। ये प्रोजेक्ट लोड हो रहा है, फर्स्ट टाइम ये टाइम ले लेगा आप लोगों से, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। ये मेरे पास अब प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है, ये फ्लटर का कोड है। परेशान बिल्कुल नहीं होना कि ये तो मतलब एक न्यू चीज़ है, एक डॉट लैंग्वेज आप सीखने की कोशिश करोगे फिर। तो अब ये प्रोग्राम रन करने के लिए आपके पास पहले से मोबाइल कनेक्ट होना चाहिए। तो मेरे पास ना फिज़िकल डिवाइस कनेक्ट है और ना ही एमुलेटर कनेक्ट है, तो इसके लिए ये है प्रोग्राम रन करने के लिए मेरे पास फ़िलहाल एक ही एमुलेटर है, ठीक है ना, वो भी एंड्रॉयड का है, तो वो मैं चला रहा हूँ। और ये उसके साथ साथ अगर आपके पास
iOS का एमुलेटर है, सिमुलेटर, तो वो भी चला लो। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ये है और ये एप्लीकेशन दोनों पर रन होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये रन होने में टाइम लेगा और उसके बाद इसमें हॉट रिलोड होता है, तो वो फटाफट यहाँ से आप चेंज करें वहाँ पर शो होगा। तो ये आपका फास्ट फ्लटर एप्लीकेशन है जो रन हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। मेरे पास वो iOS का नहीं है, तो iOS भी इसी तरह एप्लीकेशन रन होगा।